बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम अनम शहज़ादी है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एमएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट साइंसेज फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अलमिज़ान कैंपस। होप यू गाइस आर फाइन एंड गुड और यू आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19। टुडे माई टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अली ट्रस्ट पाकिस्तान एंड इनका स्लोगन जो या मोटो है वो है हर शब को सहर कर। और इस टॉपिक की ब्रीफ डिस्कशन में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको देख लेते हैं और साथ साथ ये देख लेते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। नाउ ऑन फर्स्ट वी विल डिस्कस अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ट्रस्ट, एनजीओ एंड फाउंडेशन। ऑन सेकेंड अली ट्रस्ट पाकिस्तान इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, मिशन, प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट। ऑन थर्ड प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मॉस्क एंड द वोकेशनल सेंटर्स। एंड ऑन फोर्थ एंड लास्ट कंक्लूजन दैट इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग फैमिली ट्रस्ट। ATP डज नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशन फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज मिस्टर महमूदुल हक दैट इज़ द फाउंडर ऑफ दैट ट्रस्ट डिनोटेड हिज 75% ऑफ वेल्थ टू द ट्रस्ट। और इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ ट्रस्ट, एनजीओ, फाउंडेशन जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपस में इंटरमिंगल भी कर रही हैं लेकिन इनमें बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है जिसके बारे में अभी हम देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टर्म ट्रस्ट, एनजीओ एंड फाउंडेशन, दे आर लिंक टू टुगेदर टू ईच अदर बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एनजीओ, ट्रस्ट एंड द फाउंडेशन एंड दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडी विच मैनेजेस समवन्स मनी और प्रॉपर्टी फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ पुअर एंड चिल्ड्रन। NGO, non-governmental organization is the non-profit organization. Their help provide to underprivileged child and poor people. Foundation means the organization established from donated funds for the purpose of donating funds to others. And the simple meaning of foundation means the base of institute. अब जो ट्रस्ट होती है वो इंडिविजुअल बेस्ड होती है, मतलब एक ही कोई इंसान होता है जिसका ये कोई विजन होता है या वेलफेयर की तरह वो उसको रन करना चाह रहा होता है और वो अपनी ही मनी या अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसमें डोनेट करके वो ट्रस्ट बनाता है। जबकि जो एनजीओ होती है वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट नहीं देखती होती, जस्ट सर्विस डिलीवर कर रही होती है। और जो फाउंडेशन होती है वो डोनेशंस पे बेस कर रही होती है, मतलब उसमें डोनेशंस जो है वो ना सिर्फ कोई एक इंसान बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो फंड्स लेते हैं और फॉरेन कंट्रीज भी इसमें जो है वो अपना डोनेशन देके अपना पार्ट ले सकती हैं। नाउ अली ट्रस्ट पाकिस्तान, इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। अली ट्रस्ट पाकिस्तान इज़ अ फैमिली ट्रस्ट कंडक्टिंग न्यूमरस फिलेंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। फैमिली ट्रस्ट मीन कि इनका जो फील्ड है वो जस्ट एक ही फील्ड में ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे बल्कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए और डिफरेंट हो गए। और फिलेंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सर्विस बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई प्रॉफिट नहीं होता, जस्ट वो दूसरों की मदद के लिए, वेलफेयर के लिए बने होते हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड ट्रस्ट अंडर द ट्रस्ट एक्ट 1882। अब कोई भी जो ट्रस्ट होती है वो सेल्फ बेस्ड नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है ताकि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके कि उसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं और वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, और उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो क्या हैं और किस लेजिस्लेशन के ऊपर वो जो है वो काम कर रही है। उसके लिए हमें किसी भी ट्रस्ट को रजिस्टर करवाने के लिए भी से पहले ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि इस ट्रस्ट का इस्टेब्लिश कब हुई, इसका मिशन क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं और अचीवमेंट्स। इस्टेब्लिशमेंट, ट्रस्ट वाज इस्टेब्लिश बाय साइलेंट फिलेंथ्रोपिक महमूदुल हक इन 1970। इट इज़ अ फैमिली ट्रस्ट। महमूदुल हक जो है वो एक बहुत नामवर शख्सियत हैं जिन्होंने ये ट्रस्ट जो है वो पर्सनल इनिशिएटिव लिया 1970 में। और जब ये इन्होंने स्टार्ट किया था ये जस्ट अपनी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने एक छोटा सा मदरसा, कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला था। उसके बाद इन्होंने जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए और आज हर कोई जानता है कि ये ट्रस्ट कितना फ्लरिश कर चुकी है। मिशन, अली ट्रस्ट फाउंडेशन इज सिग्निफाइड एंड स्टार्विंग टू परस्यू द हाइएस्ट ह्यूमन वैल्यूज विद अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर।
projects, piloting numerous projects related to education, healthcare, vocational training and free transport services. अब ये देखा जा सकता है कि इनका प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं है, वोकेशनल में भी है, फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी है, और रिसेंटली इन्होंने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो इंशाल्लाह जल्द बहुत तरक्की करेगा. अचीवमेंट्स, ATP हैज़ बीन मेंटेनिंग 15 वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान विद सॉलिटरी आउटकम्स. 15 वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं इनके पाकिस्तान के अंदर जिनका बहुत अच्छा सॉलिटरी आउटकम, मतलब बहुत बेनिफिशियल गुड आउटकम आ रहा है उनका. वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, अब जो डिफरेंट डोमेन्स हैं इनकी वो क्या हैं, एजुकेशन है, वोकेशनल है, हेल्थ केयर है एंड अदर प्रोजेक्ट्स हैं. एजुकेशनल में जो इंक्लूड है वो है अली ट्रस्ट पाकिस्तान कॉलेज एंड बोर्डिंग स्कूल एंड मदरसास. वोकेशनल सेंटर्स में जो है वो स्पेशल स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, वोकेशनल स्कूल्स आ जाते हैं. और हेल्थ केयर में ही इनका फ्री आई हॉस्पिटल है, मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं. और अदर प्रोजेक्ट्स में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट. फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जिसकी बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, और जिसमें है एक आ जाता है अली ट्रस्ट कॉलेज लेतरार इस्लामाबाद, अली ट्रस्ट आई हॉस्पिटल उकाड़ा. अली ट्रस्ट कॉलेज इन इस्लामाबाद, अली ट्रस्ट कॉलेज इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ अली ट्रस्ट पाकिस्तान. Since its inception in the year 2003, the college has been making an induction of 70 to 80 students per annum in class 6, the only entry point. The only entry point mean ke isse pehle ye koi induction nahi karte apne admissions ki. Inka jo ye school start ho raha hai, boarding school, wo 6th class se ho raha hai. Aur ye per year ke hisab se 70 to 80 students lete hain, jinko ye intermediate tak jo hai wo quality education provide karte hain. The noble mission of ATC is to provide quality education with free boarding, lodging and related facilities to talented, competent students belonging to the rural, remote areas of the Pakistan. अब इसमें देखा जा सकता है कि इनका जो, क्योंकि मेन फोकस पुअर और नीडी लोग हैं, इसलिए इनके जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो देहातों के होते हैं, और ये बाकायदा इनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसमें ये देखते हैं कि कौन कितना टैलेंटेड और कम्पिटेंट है. उस लिहाज से ये उसको डिफरेंट जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और इनकी ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन होती है बल्कि उसको फ्री अकोमोडेशन और जो है वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर अरेंज करवाई जाती हैं. अली ट्रस्ट कॉलेज हैज़ ऑलरेडी मेड इट्स मार्क बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स इन द फेडरल बोर्ड रिजल्ट्स. अब इनकी अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें फेडरल बोर्ड के रिजल्ट्स में ही नज़र आ सकती हैं कि अभी इनको स्टार्ट हुए हुए इस कॉलेज को कुछ ही टाइम हुआ है, क्योंकि ये स्टार्ट 2003 में हुआ था, लेकिन इस इतने कम टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर लिया कि इनका फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 80% से जो है वो अबव आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का. अली ट्रस्ट कॉलेज इस्लामाबाद ऑफर्स वेरियस कोर्सेज इन इंटरमीडिएट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज एंड जनरल आर्ट्स. मतलब इनका जो डिसिप्लिन है वो जस्ट एक नहीं है बल्कि बहुत सारी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं. जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग और जनरल आर्ट्स में इंटरमीडिएट करते हैं, और उनको भी ये परस्यू करवाते हैं. हाई क्वालिटी अकोमोडेशन, वेल अरेंज मेसिंग, स्पेशियस क्लासरूम, स्पेशियस मीन हवादार और खुले, वास्ट स्पोर्ट फील्ड्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, ऑडियो लैब्स एड्स एंड कम्पिटेंट क्वालिफाइड एंड वेल वर्स स्टाफ आर इन्ग्रीडियंट्स विच मेक दिस इंस्टीट्यूशन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स कंटेम्प्रेरीज. मतलब इनके हॉस्पिटल में जो है वो ना सिर्फ कॉलेज में बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरह जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड है वो बाकी इंस्टीट्यूट से काफ़ी बेहतर है. अली ट्रस्ट आई हॉस्पिटल उकाड़ा. फ्री आई हॉस्पिटल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983. इट हैव 200 बेडेड कैपेसिटी एंड 12 वार्ड्स. हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स एंड लेजर डिपार्टमेंट्स. एवरी ईयर 1.2 लाख पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन OPD एंड अराउंड 20,000 पेशेंट्स आर ऑपरेटेड. एक सर्वे के मुताबिक इस हॉस्पिटल में इन्होंने देखा कि इनके जो रोज़ाना के बेस पे जो पेशेंट्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में विजिट कर रहे हैं, जिनको ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उससे ये पता चला कि अराउंड 1.2 लाख पेशेंट्स हैं जो हर साल वहाँ पे विजिट करते हैं,
और जिनको डिफरेंट किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको ट्रीट करते हैं, और उसके साथ साथ 20,000 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका सर्जरी होती है या ऑपरेट होता है लाइक कैटारेक्ट. एलिटिस्ट वोकेशनल सेंटर्स फॉर वुमेन. एलिटिस्ट ऑलवेज वर्क फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट. थ्री वोकेशनल सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन रावलपिंडी, ओकाड़ा एंड पाकपतन. दीज सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन 2000. दीज सेंटर्स ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ वुमेन पुअर लेडीज ईच ईयर एंड एनेबल देम टू अर्न फॉर देम सेल्व्स एंड देयर फैमिलीज. वोकेशनल कोर्सेज ऑफर्ड एट दीज सेंटर्स आर स्विमिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्निकल. वुमेन आर पेड स्टाइपेंड एवरी मंथ हु आर इनरोल्ड इन वन ईयर स्विमिंग कोर्स. अब ना सिर्फ इनका एजुकेशन और हेल्थ के अंदर बल्कि वोकेशनल सेंटर्स में भी काफ़ी बड़ा रोल है कि ये वुमेन को इतना एम्पावर कर देते हैं कि वो ना सिर्फ जो है वो अपने लिए टेक्निकल कोर्सेज वगैरह के अंदर महारत लेती हैं बल्कि उसको आगे परस्यू करके अपनी अर्निंग का भी सोर्स बना लेती हैं. और उनको ना सिर्फ ये कोर्सेज के थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनली लिहाज से बेहतर करते हैं बल्कि उनको एवरी मंथ जो है वो कुछ स्टाइपेंड भी देते हैं जिसकी वजह से अगर उन्हें कोई घरेलू मसला आ रहा है तो उसको भी सॉर्ट आउट कर सकें. अदर नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, वो उनके बारे में ये एक ब्रीफ सी लिस्ट है जिनमें फर्स्ट पे आ जाता है एलिटिस्ट गर्ल्स स्कूल ओकाड़ा, एलिटिस्ट मॉडल हाई स्कूल खन्ना इस्लामाबाद, एलिटिस्ट कैंडी स्कूल इस्लामाबाद, एलिटिस्ट हाई स्कूल फॉर बॉयज़ पाकपतन, एलिटिस्ट जूनियर मॉडल स्कूल चकवाल, एलिटिस्ट वोकेशनल स्कूल ओकाड़ा, एलिटिस्ट स्विमिंग सेंटर पाकपतन, एलिटिस्ट स्विमिंग सेंटर बोस्तान रावलपिंडी, एलिटिस्ट हिफ्ज़े कुरान सेंटर ओकाड़ा, एलिटिस्ट तालीम कुरान सेंटर ओकाड़ा, एलिटिस्ट टीबी क्लिनिक पाकपतन. नाउ एट लास्ट कंक्लूजन, द सेल्फ सस्टेनिंग फैमिली ट्रस्ट. अ सेल्फ सस्टेनिंग फैमिली ट्रस्ट का मतलब ये कि ये सिर्फ एक ही बंदे की काविश थी जो आज इस हद तक रंग ले आई है कि ये डिफरेंट डोमेन्स के अंदर पाकिस्तान में जो है वो अपना नाम पैदा कर रही है और ये जस्ट सर्विस बेस्ड है, कोई कॉस्ट जो है वो नहीं पे करते सर्विस डिलीवर करने के लिए. अली ट्रस्ट फाउंड पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट एनी डोनेशंस फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज मिस्टर महमूदुल हक डोनेटेड हिज 75% ऑफ द वेल्थ टू द ट्रस्ट. मिस्टर महमूदुल हक हु इज द फाउंडर ऑफ दैट ट्रस्ट डोनेटेड 75% ऑफ वेल्थ. अब ये देखा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बजाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब करते हैं और इन शख्सियत में इनका एक बहुत बड़ा नाम है. नॉन प्रॉफिट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. चैरिटीज हेल्प इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हेल्प, गिविंग इन्फॉर्मेशन और रेजिंग अवेयरनेस एन इशू. एक्सट्रीम पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू ऑफ आवर एज. इट इज़ द सोर्स ऑफ मच ऑफ द वर्ल्ड सफरिंग एंड मेक्स मेयर सर्वाइवल इंटू अ अनबियरेबल. सो चैरिटी इज़ द नेसेसिटी नॉट एन ऑप्शन. बाउंटी इज सेट टू रिसीव अ पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम द मैनर इन विच इट इज़ बेस्टोड. अब ये देखा जा सकता है कि जहाँ पर इस दुनिया ने तरक्की की है साइंस के शोबे में या जो भी दुनिया में जो इस वक्त काम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनके बलबोते पे तो है, लेकिन जो 50% ऐसे भी लोग हैं, बल्कि 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे काफ़ी कम एक ऐसी रेशो है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, उनकी वजह से भी ये दुनिया चल रही है. और इंसान लाजमी नहीं है कि अपनी एम्प्लॉयमेंट में प्रॉफिट ही रख के काम करे बल्कि कुछ नॉन प्रॉफिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करना स्टार्ट कर दे तो भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कवर हो सकता है. और स्पेशली हमारी यूथ को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि हमेशा इंसान को अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी काम करना चाहिए. और बाउंटी इज सेट टू रिसीव अ पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम द मैनर इन विच इट इज़ बेस्टोड. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं रिवॉर्ड या अवार्ड जो भी चीज़ है वो हम उसको दे रहे हैं तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम उसको कितना दे रहे हैं बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस मैनर में दे रहे हैं कि मतलब वो उसके लिए कोई शर्मिंदगी का बायस तो नहीं बन रहा बल्कि उसको एक अच्छे मैनर में देना चाहिए. नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. द एक्ट ऑफ कंपैशन और जेनरोसिटी कैन बी बिग और स्मॉल बट देयर इक्वल्स आर एंडलेस. अब इस कोट का ये मतलब है कि जो जेनरोसिटीज जो इंसान जो बड़े दिल के मालिक होते हैं जो लोग
जो वो छोटा या बड़ा काम करते हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना बड़ा या छोटा काम कर रहे हैं, बल्कि उसके जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो एंडलेस होते हैं। क्योंकि इकोस का फिजिक्स में आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि जब इंसान किसी पहाड़ के दरमियान में खड़ा होकर आवाज़ देता है तो एक आवाज़ के बजाय जब देता है तो उसके रिटर्न में हमें 3 से 4 आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी तरह जब हम कोई नेकी का भी काम करते हैं तो वो जब वापस हमारे पास डबल या ट्रिपल होकर आता है। थैंक यू।